हाँ उठा के बाहर मंत्री है क्या करके देखो हाथ तो लगाओ दिल्ली की जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी इनको करप्शन के सिवाय कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के फतेहनगर इलाके में, जहां पर एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस देश के एक जागरूक नागरिक भी हैं। अभी हाल ही में वो जीएसटी ऑफिस जाते हैं कुछ कार्यवाही करने, कुछ पोल खोलने, जिसके बाद उनके साथ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। आइए बार उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कंप्लेंट वहाँ पे लेके गए थे, किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जेपी चड्डा। क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? मैं एक विसल ब्लोअर हूँ, टैक्स और करप्शन फंड ऑफ नेशन का प्रेजिडेंट हूँ। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी हमारे हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे पान मसाला, तम्बाकू, इम्पोर्टेड सिगरेट, जो कि हजारों ट्रक कलकत्ता में, वहाँ से सारा माल कलकत्ता से नेपाल के लिए चलता है कंटेनर पर, कंटेनर नेपाल ना जाकर वो सारे कंटेनर दिल्ली में आ जाते हैं और यहाँ पे हजारों ट्रक सुपारी के दिल्ली में इंटर करते हैं, हजारों ट्रक यहाँ पे कापर स्क्रैप के सारे आते हैं यहाँ पे, हजारों ट्रक यहाँ से दिल्ली से बाहर आयरन स्क्रैप के जाते हैं। ये सारा काम फर्जी वाड़ों के बिलों से, दो नंबर के बिलों से सारा माल दिल्ली में आता है और हमारे दिल्ली की जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी इनको करप्शन के सिवाय कोई काम नहीं है। करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी इनके पास पहुंचती है, इनके पास करोड़ों रुपया पान मसाला, यहाँ पर 25 फैक्ट्रियाँ हैं पान मसाला की, जो कि रोज़ एक एक कंपनी 10-10 गाड़ियाँ लोड करके जाती हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया कीमत होती है, उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया टैक्स होता है। अगर एक फैक्ट्री 10 गाड़ियाँ निकालती तो 20 करोड़ रुपया उसका टैक्स की चोरी उनकी जेबों में चलेगी और उसके बाद जो अगर 25 से गुना करोगे तो कैसा, आपको अंदाजे लगा लो कितना हो गया। मेरी 10 दिन पहले मैंने कंप्लेंटें डाली थी बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट की, जो कि एक बहुत बड़ा माफिया जो कि 15-20 गाड़ियाँ लोड करता है और उसकी जहाँ से ये गाड़ियाँ रामा रोड से लोड करती हैं वहाँ की मैंने लोकेशन पहले सीबीआई को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को और यहाँ के जीएसटी इन सब चीज़ों की जानकारी कैसे मिली कि ये सब यहाँ पर लोड हो रहा है? मैडम जी, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरे को एक एक बात का पता है कि टैक्स चोरी कहाँ हो रही है और यहाँ पे कौन कौन पैसे खा रहे हैं। मैं इतना तो आज आप आए हो सिर्फ कि जो मेरी वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट में जो मेरे वाक्य हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरी कंप्लेंट पर 4 ट्रक बॉम्बे कांडला के ट्रांसपोर्ट के पकड़े, वो भी क्यों, क्योंकि बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट ने 10 लाख रुपए की जो मंथली जानी थी कमिश्नर के पास वो भेजी नहीं। कमिश्नर साहब ने खुद वो गाड़ियां पकड़वाइयां, वो गाड़ियां पकड़ के उन्होंने आईपी स्टेट में बंद करवा दी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि माल बॉम्बे कांडला का और बिल बना हुआ है पंजाब असम ट्रांसपोर्ट। ये वाली बात आप कब की बता रहे हैं, कब पकड़ी थी? परसों रात। और उसके बाद ये गाड़ियाँ का जो बिल बने हैं वो बने हुए आयरन स्क्रैप के, पर उसमें माल क्या है, पान मसाला, तम्बाकू और गुटखा, जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके मैंने बता दिया था। वहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ जाके उनकी गाड़ियों के नंबर सब कुछ लेके, उन्होंने वीडियो भी बना रखी है, वो सब कुछ लिया है। मैं उसके बाद यही चीज़ बताने चाहता था कि दीपक कुमार जी को कि ये जो गाड़ियाँ पकड़ी। दीपक कुमार जी कौन है? ये आईएएस ऑफिसर हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब हैं। वो अभी 2 महीने हुए हैं, नए आए हैं, वो भी करप्शन में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। कहने का भाव था कि मैं उनको जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिस में इसलिए जाना चाह रहा था, उनको बताना चाहता था कि मेरे को पता चला था कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी 1 करोड़ में बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट के मालिक के साथ डील हो गई थी, जो कि वो गाड़ियाँ रात को छोड़ देनी थी। और मैं ये चाहता था कि जहाँ से ये गाड़ियाँ चारों लोड हुई थी रामा रोड से, जहाँ से फैक्ट्रियों से माल लोड हुआ, उन्होंने इन गाड़ियों का बिल क्यों नहीं दिए, बिल एंड ई बिल क्यों नहीं दिए। ये सबसे बड़ी मेन बात है कि जो जहाँ से गाड़ियाँ लोड हुई हैं उन्होंने बिल बना के नहीं दिया। पर ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगी, उन गाड़ी को पेनल्टी लगाएगी और छोड़ देगी। पर मुद्दा मेरा ये मेन है कि जहाँ से ये माल लोड हुआ है
यहाँ से गाड़ियाँ लोड हुई हैं पान मसाला की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की, यहाँ से माल तैयार होकर निकला है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है। उसके बाद मैं 4 घंटे तक वहाँ के उनके दफ्तर में बैठा रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं हार के मेरे को गुस्सा आया कि मैं एक सीनियर सिटीज़न, 63 साल की मेरी उम्र है, मैं यहाँ पे 3-4 घंटे से बैठा हूँ, वो कमिश्नर साहब के पास अंदर बंदे जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, पर मेरे को इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और जो मैंने मेल करी थी, जो मैंने कंप्लेंट की मेल करी थी, वो भी उन्होंने अपने ईमेल jpchadda160@gmail.com से मैंने मेल करी थी, जो कि उन्होंने ब्लॉक कर दी। मेरी जो कंप्लेंट थी ना भेजी मैंने सुबह, वो उन्होंने ब्लॉक कर दी। यानी आपकी कंप्लेंट पे एक्शन, पुलिस गई थी पकड़ने ट्रक्स, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जो जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा आईएएस ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन तो ले लिया उन्होंने, गाड़ियां पकड़ी हैं, गाड़ियां नहीं छोड़ सकती हैं, पर उसका मेन मुद्दा है कि उन गाड़ियों को प्रॉपर 12 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगनी चाहिए। जहाँ से ये माल आया है, जहाँ से ये लोडिंग हुई है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जिसने ये गाड़ियाँ लोड कराई हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं गाज गिरती है? उनके ऊपर ईडी की भी गाज गिरनी चाहिए, सीबीआई की भी गाज गिरनी चाहिए, और जो भी ये अधिकारी जो पैसे खाते हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ पते की, आज तक इनकी गाड़ियाँ क्यों नहीं पकड़ी? आज तक 8 साल में गाड़ियाँ क्यों नहीं पकड़ी गई? बॉम्बे कांडला की जो 5 सुपारी की गाड़ियाँ क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि एक ही मुद्दा है, आप कह के सबूत तो यही है सबसे बड़ा कि इनको मंत्रियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से आज तक गाड़ियाँ क्यों नहीं पकड़ी। अच्छा, एक और बात, 25 यहाँ पे फैक्ट्री हैं, आज तक बताओ इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने आज तक कितनी रेडें करी उनके ऊपर? ये आप पूछते हो ना कि आपके पास सबूत क्या है? सबूत ये है, हज़ारों ट्रांसपोर्टरों की, ये दलाल हैं, करोड़ों रुपये इकट्ठा करके, जो 2 नंबर के ट्रांसपोर्ट, दिल्ली से हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं ट्रांसपोर्टरों की, उनसे ये पैसा वसूला करा जाता है। ये सारा काम देखो, कोई भी है, जैसे अभी आज बिल्डिंग तोड़ी है नोएडा में, ये करप्शन की वजह से है। करप्शन, मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं यहाँ पे गया हूँ, मेरे साथ उन्होंने हक्का धक्का मुक्की करके बाहों से पकड़ के घसीट के मेरे कमिश्नर के ऊपर से बाहर फेंक दिया मेरे को, मेरी पगड़ी उतार दी गई। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं लोग उनके पास आगे भी चिट्ठियाँ जाती हैं कहने का बाब है। एक तरफ कमिश्नर का फ़ोन था, एक तरफ मेरे वो कार्रवाई कर रहे थे सारे बंदे, कि मैं एक सीनियर सिटीजन हो के कोई मैंने गलत काम करा है? आप बताइए कोई बात। आपके साथ क्या कुछ हुआ था जीएसटी ऑफिस में? मेरे साथ, मेरे को पहले, मैं जहाँ बैठा था मेरे को कहते उठो बाहर चलो, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरी वीडियो में देख लेना कि मैं उनसे बात करके जानी है। सर, मेरे साथ पेन पकड़ी था, इनके ऊपर केस हो गया, इन्होंने उठा के मेरे को बाहर फेंका, मैं इनको 4 घंटे से बैठा हूँ मिलने के लिए, मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि कमिश्नर साहब अंदर बैठे हुए हैं, कभी नीचे भेजते थे कभी ऊपर भेजते। मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, हार्ट पेशेंट हूँ, मैं फिर भी अपने हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूँ काम, पर ये लोग, ये हिंदुस्तान के काम करने के लिए, ये तो सिर्फ गद्दार बंदे हैं, उसके साथ मिले हुए हैं, गड़बड़ है ना। अभी आगे बैठो, मैंने भेजा हुआ है, फिर क्या करा हुआ है, इन्होंने मेरी जो मेल है ना ब्लॉक कर दी है, आप देखो ना, इन्होंने मेल क्यों ब्लॉक करी है मेरी? 5 गाड़ियां, अब 5 गाड़ियां, 5 गाड़ियां की जो बनी है वो इन्वेंटरी बिल बने हुए सब्सक्राइब के, और उसमें माल क्या है? पान मसाला उसमें, ये दे नहीं रहा, ये तो नहीं दे रहे हैं, देंगे। तो बैठा तो लो, आप ले लो, ये छोड़ देंगे सर गाड़ियाँ, नहीं छोड़ने देंगे। अच्छा, एक और चीज, जो ये मनीष सिसोदिया जो करोड़ों रुपए खा रहा है, जो पान मसाला कंपनी है ना, जहाँ से माल कोई ऊपर से भी उठा के लाए, फैक्ट्रियों से ही उठा के लाए हैं, ये मनीष सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, इनसे पूछो, इनसे पूछो मेरी पगड़ी क्यों उतारी है, ये पगड़ी उतारी क्यों उतारी है, इन्होंने क्यों फेंका? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? कोई मैं चोर हूँ? है, जो चोर होते हैं ना उनको मिलने दिया जाता है, जाओ अंदर, जो बातचीत करनी कर लो, करोड़ों की बातचीत करनी है कर लो, आप गाड़ी छुड़वा लो, ये करोड़ों रुपए का कपड़ा था, करोड़ों रुपए का, ठीक है क्या? वीडियो भी है आपके पास? वीडियो भी है मेरी, जो वीडियो मैंने नहीं बनाई है,
वीडियो बनाई है, जो वहाँ का कमिश्नर का पी है उसने वीडियो अपने मोबाइल से बनाई है, आप ही बनाकर उन्होंने आप ही वायरल करी और उन वो आप ही सब फंस गए हैं कि वीडियो मेरी नहीं बनाई, मैं अकेला था और वीडियो बनाने उन्होंने खुद बनाई और खुद ही वायरल कर दी। तो आप बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? उन्होंने मेरी पगड़ी उतारी है, मेरा मेरे साथ धक्का मुक्की करी है, 63 साल का उम्र है, कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कोई मैं कोई मेरी बैकग्राउंड गलत है, अगर मैं कोई उजागर कर रहा हूँ किसी चीज़ को, कोई गलत है, अगर देश को टैक्स रेवेन्यू आएगा तो इसमें कोई गलती है, और ये मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास भी गए हैं, उन्होंने भी कमिश्नर जॉइंट सीपी से उन्होंने टाइम ले रखा है, उनके द्वारा ही जो FIR लॉज होगी उनके द्वारा होगी। और जो ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है ये सब तक पहुँचनी चाहिए, घर घर पहुँचनी चाहिए। जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने ये जो बना रखा है, इन्होंने अपने तांडव मचा रखा है कि ये पानी और बिजली फ्री दे के ये सोच रहे हैं कि दिल्ली को हम अपने जीत कर लेंगे, पर ये आप दिल्ली को बताना चाहता हूँ कि खरबों रुपए की टैक्स चोरी डेली की होती है। आप तो पानी को रो रहे हो, बिजली को रो रहे हो, और जो टैक्स की चोरी का नुकसान हमारी दिल्ली सरकार को, दिल्ली के लोगों को हो रहा है, जिससे कि हमारी बड़ा काम हो सकता है हमारे दिल्ली का, आम जनता का, ये बेवकूफ़ बना के केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ये करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेड सिगरेट, पान मसाला, सुपारी, सिगरेट, उसके बाद जो स्क्रैप आती है उसको, ये सबसे ज़्यादा पान मसाला कंपनियाँ, जो 25 कंपनियाँ हैं, इनके मैं आज मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उनके ऊपर रेड करते, क्यों, क्या क्या बात है मोदी जी, आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, इनके ऊपर क्यों आपने इतनी मेहरबानी कर रखी है? मनीष सिसोदिया वो भी पार्टी फंड का पैसा लेता है, ये पार्टी फंड का 2 नंबर का पैसा सारा पंजाब में लगाया इन्होंने इकट्ठा करके, खरबों रुपए के उनको पार्टी फंड देते हैं पैसा इनको सब लोग, क्यों कि ये हमने इलेक्शन, क्योंकि इनको हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, ये कोई मनीष सिसोदिया GST डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, अब ये गाड़ियाँ पकड़ी हैं, पर कोई भी GST डिपार्टमेंट इन फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, आम जनता को बताना चाहता हूँ कि इन फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई होए, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, कि जहाँ से ये माल 2 नंबर का जो करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं हो रहा है? तो जी सर, जो हमने वीडियो देखी कि ऐसे आपके साथ व्यवहार किया गया GST ऑफिस में, तो आप इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कार्रवाई अब तक हुई है, आपको क्या एक्शन लेना? मेरा काम, मैं काम है एक विसल ब्लोअर और टैक्स चोरों को पकड़वाना, और जितने भी अफसर जो पैसा खाते हैं उनको पकड़वाना। जो मेरे साथ GST के कमिश्नर ने फ़ोन कर कर के बाहर के बाउंसरों को और अपने PA को राकेश कुमार को बोल के जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करा गया, मेरी पगड़ी उतरवाई गई, जिसकी वीडियो कनाडा अमेरिका तक मेरी वायरल हो गई है, पंजाब कोई ऐसा बंदा नहीं जहाँ पर मेरी ये वीडियो वायरल नहीं हो, सबकी मेरी पास, मेरे साथ सबकी सिमती है मेरे साथ, कोई मैं कोई गलत काम नहीं करा, मैंने जो भी चाहता था कि ये पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और जिसके ऊपर जो ये GST का इसको सस्पेंड किया जाए, जो IS ऑफिसर है दीपक कुमार जी, क्यों नहीं उन्होंने मेरी बात करी है? मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, कमिश्नर का काम है सबसे बात करना, सुनवाई करना, ये कहाँ का ये अंग्रेज़ों का रूल कहाँ से बन गया, जो आज से 80 साल पहले जो अंग्रेज़ों का राज था वैसे ही ये हमारे इस GST डिपार्टमेंट के अधिकारी ने, कमिश्नर ने, कि एक अफसर हो के मेरी सुनवाई नहीं करी, क्योंकि मैं कंप्लेंटर हूँ, मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे ये चोरी हो रही, ऐसा हो रहा है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनने चाही, क्यों, क्यों वो करप्टेड है, वो करप्शन में लिप्त है, करोड़ों रुपए की रिश्वत उसके पास आती है, उन बंदों को बुलाता है, जाओ जो रिश्वत देते हैं, बैग देते हैं, उनको ही बुलाया जाता है, वहाँ पे एक देवदाता है जिसके द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक ये जो राकेश कुमार है जो PA है वो पैसा इकट्ठा करते, 2 बंदे हो रहे हैं, एक मैडम है जो सारी इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहाँ पर कि इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे उठा के बाहर फेंको, कि मैं कोई एक जुर्म कर दिया है कि मेरे को उसके अपने ऑफिस में अगर 2 मिनट मेरे को बातचीत के लिए दे देता, ये इतना बवाल नहीं खड़ा होना था, ये मेरा कसूर है, तो मेरे को आप बताइए। मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ कि अगर 1 मिनट भी मेरे को GST डिपार्टमेंट कमिश्नर मेरे को दे देता तो उसमें क्या उसका हर्ज हो गया था, उसका क्या चला जाता, और जो मेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करा है,
मेरे को उठाया है, मेरी पगड़ी को उछाला है और मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया है, और मेरी पगड़ी को उसने लात, मेरी बूट और मेरी पगड़ी को अपने जो बाउंसरों ने पैर के साथ धक्का पैर से मार के मेरे को बाहर मेरी पगड़ी फेंकी उन्होंने। ये क्या एक हिंदुस्तान में हो रही कि ये अच्छा बात है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कि ये चाहते हैं कि लोगों को दबाना चाहते हैं, पर लोग दबते नहीं हैं। अगर आज ये बात सब हिंदुस्तान में और पूरी दिल्ली की आम जनता को पता चल जाएगी कि आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया कितना करप्ट है, कितना पैसा ये पान मसाला कंपनियों और माफिया ट्रांसपोर्टरों से कितना पैसा इसकी जेबों में जा रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ये पैसा सारा पार्टी फंड का पैसा, ये जो इलेक्शन गुजरात में हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, ये सारा